वेलकम बैक, माय नेम इज अखिलेश। तो हम बात कर रहे हैं प्रमुख संविधान संशोधनों की। दो पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। पहले पार्ट में हम लोगों ने बात की है प्रथम संविधान संशोधन 1951 की, और दूसरे पार्ट में बात की गई है दूसरे संविधान संशोधन 1952 की। इस वीडियो में हम बात करेंगे, यानी तीसरा पार्ट हमारा होगा ये, और इस वीडियो में बात करेंगे हम 12वें संविधान संशोधन जो कि 1962 में हुआ है उस पर बात करने वाले हैं। सब संविधान संशोधन नहीं पढ़ेंगे, दूसरे संविधान संशोधन के बाद हम सीधे 12वें संविधान संशोधन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि 12वें संविधान संशोधन में क्या प्रमुख चीजें हुई हैं। तो 12वें संविधान संशोधन के तहत संविधान की प्रथम अनुसूची में संशोधन किया गया, संशोधन करके गोवा तथा दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया। क्या किया गया है, मुख्य काम गोवा और दमन दीव है उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में क्या दी गई, मान्यता दी गई। क्लियर है इतनी बात। कब ये सब हुआ है, 1962 में। ठीक है, मैं एक चीज आपको और क्लियर कर दूं कि जब भी कोई नए राज्य की स्थापना होती है, नए राज्य का प्रवेश होता है हमारे संघ में या हम कहें हमारे यूनियन में, तो फिर क्या करना पड़ता है, हमको प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। तो पहली अनुसूची में संशोधन करके दमन दीव और गोवा को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल किया गया। इतनी बात इसमें की गई है, बस इतना आपको याद रखना है कि इसमें 12वें संविधान संशोधन में। अब थोड़ी सी बात हुई है गोवा और दमन दीव की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पर। आप सबको पता है ये गोवा है और इस क्षेत्र में यहां पर आपको दमन दीव मिलता है। तो गोवा और दमन दीव पर पुर्तगालियों का जो है शासन था, पुर्तगाली इसको छोड़ नहीं रहे थे। बार बार भारत सरकार जो है उनसे आग्रह कर रही थी गोवा और दमन दीव को जो है हमारे अंतर्गत कर दीजिए, लेकिन वो लोग नहीं मान रहे थे। फिर जो है मजबूर या विवश होकर भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने जो है भारतीय सेना के नेतृत्व में एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन विजय। और ये ऑपरेशन जो है वो किस दिन, 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत गोवा पर हमला कर दिया। गोवा पर कब्जा किसका था, पुर्तगालियों का, यानी पुर्तगालियों पर हमला कर दिया। ठीक है, 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों ने सरेंडर कर दिया। लगभग 24 घंटे के अंदर ही पुर्तगालियों ने सरेंडर कर दिया और गोवा जो है वो हमारे अधीन आ गया, या हम कहें गोवा के साथ साथ ये दमन दीव भी हमारे अधीन आ गया। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा 19 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, हर साल गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, गोवा फ्रीडम डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को ही गोवा क्या हुआ था, पुर्तगालियों से आजाद होकर भारत का हिस्सा बना था। तो 19 दिसंबर को हमारे पास गोवा आ गया है, तो अब हमको क्या करना है, गोवा को एक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल करना है। तो शुरुआत में क्या किया गया, 12वां संविधान संशोधन किया गया 1962 में, और गोवा और जो केंद्र शासित प्रदेश जो दमन दीव है उसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, बाद में आगे चलकर 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दमन दीव को जो है एक मान्यता दे दी गई। ठीक है, तो दमन दीव क्या हो गया, केंद्र शासित प्रदेश हो गया, और 1987 में गोवा क्या हो गया, आपका पूर्ण राज्य का दर्जा हो गया। तो दो प्रश्न यहां से बनते हैं अगर इस वाले हिस्से से देखेंगे। पुर्तगालियों पर गोवा में जब आक्रमण हुआ था तो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च हुआ था, ऑपरेशन विजय। कब, 18 दिसंबर 1961 को विजय हमको मिल गई, 19 दिसंबर 1961 को ही। ठीक है, गोवा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब शामिल हुआ है भारत में, तो आपको बताना है 1962 में, और गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया है, तो 1987 में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अब जब इस चैनल पर आ ही गए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।